एक तरफ कोरोना અને લોકડાઉન જેવી વૈશ્વિક મહામારી ચાલી રહી છે ત્યારે દરેક પોતપોતાને રીતે સમર્થન આપી રહ્યા છે અને લોકડાઉન ને સફળ પણ કરી રહ્યા છે ત્યારે આવા સમયમાં મુસ્લિમ બિરાદરોનું અતિ પવિત્ર તહેવાર રમજાન માસ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે ઘરે થી બહાર ના નીકળવા સરકાર સાથે પોલીસ તંત્ર પણ અપીલ કરી રહ્યું છે કે દરેક ઇબાદત પોતે પોતાના ઘરે રહીને કરો આવું જ કંઈક વિડિયો કોમી એકતાનું દર્શન કરાવતો અમદાવાદના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ગોહિલ સાહેબનો વાયરલ થઈ રહ્યો છે શું કહી રહ્યા છે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ગોહિલ સાહેબ આવો સાંભળીએ તો સબસે પહેલે મેં આપ સભી કો અસલામ વાલેકુમ વ રહમતુલ્લાહ વ બરકાતુ સભી કો બરાબર હૈ યે જો અપના રમઝાન મહિના શરૂ હુઆ ઉસકી આપ સભી કો મેરે પીકે ગોહિલ કી ઓર સે ઢેર સારી બધાઈયા શુભકામનાએ બરાબર હૈ और ये अपना जो रमज़ान महीना पवित्र रमज़ान महीना शुरू हुआ उसकी मैं आप सभी को माताओं बहनों मेरे भाइयों सबको ढेर सारी मुबारकबादी दे रहा हूँ। अभी अपन का भाई दूर खड़े रहो, एक दूसरे से दूर खड़े रहो, पूरा माइक लेके आया, सबको सुनाने के लिए आया, कहने के लिए आया, क्योंकि जिस भाषा में आप समझते हो उस भाषा में बोलने के लिए आया मेरे भाई। बराबर, थोड़ा बहुत कुरान शरीफ का मैंने भी पढ़ा है, मेरे को उर्दू नहीं आता पर हिंदी का जो वर्ड होता है उसको मैंने पूरी मतलब नेकी से पढ़ा है, समझने का प्रयास किया, उसके हिसाब से आपको बोल रहा हूँ। ये जो अपना रमजान महीना है वो अल्लाह की इबादत करने का और नेकियां कमाने का महीना है, तो इसमें अभी जो कोरोना चल रहा है तो प्लीज आप सभी अपने घरों में रह के अल्लाह की इबादत करें, तिलावत करें और अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि ये जो अपने हिंदुस्तान के ऊपर सभी हिंदुस्तानियों के लिए ये दुआ करें कि हिंदुस्तान के ऊपर ये जो कोरोना का कहर है उसको नेस्त नाबूद कर दे। बराबर, और हो सकता है कि अल्लाह ताला की वो अपनी दुआ कबूल हो जावे और वो सातवें आसमान पर आकर अपने सभी के लिए ये रोग को नेस्त नाबूद कर दे और सभी को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बराबर, तो सभी को यही मैसेज है कि आप लोग कहीं पर भी मस्जिदों में, बराबर है, अपने घरों में या घर के बाहर कहीं पर भी मजीद भीड़ इकट्ठी ना करें, बराबर, बिन जरूरी इकट्ठा ना हो। और दूसरा कि शहरी और इफ्तारी में भी ख्याल रखें कि भीड़ को इकट्ठा ना होने दें। हमें अच्छा नहीं लगता आपको आके बोलने का, ये अपना त्यौहार है आपका, बराबर है, मैं हिंदू हूँ, आप मुसलमान हैं, हम सब वैसे तो हिंदुस्तानी है ना, बराबर है, हमने ऐसा नहीं है कि अभी आपका त्यौहार बंद हो गया, दूसरा हिंदू का त्यौहार जो था वो भी अभी बंद ही है, सभी का परहेज रखते हैं। तो ये बात अपने सबके लिए, अपने देशवासियों के लिए है, अभी हम सब एक है और सभी को साथ में मिलके इस कोरोना को हराना है। बराबर है, अगर सब परहेज रखेंगे और एक दूसरे घर में ही रहेंगे आप लोग तो क्या होगा कि अल्लाह ताला की जो मर्जी है उसके हिसाब से ये रोग खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह नेस्त नाबूद हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में से। और अगर अच्छा रहा तो ईद आते आते ये खत्म भी हो जाएगा और इंशाल्लाह मैं आपके घर ये जो शीर खुरमा भी खाने आऊंगा। बराबर है, बुलाओगे ना मेरे भाई। बराबर, ये खत्म होने में अपन को सहकार देना है, जितना हो सके उतना एक दूसरे से दूर रहना, बेटा घर के बाहर, और सभी अपने बच्चों को समझाओ आप लोग, बराबर, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने मतलब जो भी है कि बिन जरूरी घर से बाहर ना निकलो। ठीक है, मैं आप सबकी इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज़।